इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वंस अगेन। माई नेम इज मोहम्मद सुहेब, माई फादर नेम इज असगर अली, आई रीड इन क्लास 7, आई स्टडी इन फजाइया इंटर कॉलेज मिनहास कामरा, माई हॉबी इज दैट आई प्ले फुटबॉल एंड माई एम इज टू बी ए GDP. ओके, क्या चौकीदार मकान की निगरानी नहीं कर रहा है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। क्या चौकीदार मकान की निगरानी नहीं कर रहा है? Is the gatekeeper not not protecting the नॉट सुपरविजनिंग भी कह सकते हो द हाउस। ओके, इफ वन डजन ओके ऑफ सर एग्स कॉस्ट ₹22, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 30 एग्स? 55 rupees. अच्छा बेटा, आप घर से ₹130 लेकर गए और 70% आपने खर्च कर लिए, तो बताओ कितने खर्च किए? ₹91. 91 रुपीज। ओके, हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी? कायदे आजम मोहम्मद अली जिना. ओके, हु इंडिया के वेस्ट में कौन सी कंट्री है? ओके, पाकिस्तान. और पाकिस्तान के नॉर्थ में? चाइना. चाइना। व्हाट इज 8% ऑफ 8 रुपीज? ₹64. 64 पैसा। वेल डन। तालीम तरबियत पे स्पीच करें। तालीम और तरबियत एक मुल्क और एक इंसान के लिए बहुत अहम अहमियत है, बहुत अहम है, क्योंकि इसकी वजह से हम इल्म हासिल हम दुनिया में कोई हमारा कोई मर्तबा हो सकता है, हमारी इज्जत इसी की वजह से है, और हमें दुनिया में रहने का तरीका सलीका आ जाता है, और जब इल्म होता है तो हमें नज्म जब्त के बारे में भी पता चलता है. ठीक है, और तरबियत क्या चीज है बेटा? तरबियत तरबियत यानी परवरिश करना. ठीक है, आपकी परवरिश आपकी अम्मी ने ज्यादा की है या आपके पापा ने? दोनों ने सर. आपके पापा का डेट ऑफ बर्थ क्या है? टेन जुलाई 1979. आपके पापा का क्या रैंक है? ठीक एक्स चीफ रेंटर एंड नाउ सर्विंग एज AFM. है, एज एन एयर फ्रेम फेटर। ओके, किस फैक्ट्री में? MRF. एमआरएफ में। वो क्या काम करते हैं एमआरएफ में? इलेक्ट्रिक है ट्रेड उनका. इलेक्ट्रिक का ट्रेड किधर से आ गया? अब तो आपने कहा था एयर फ्रेम में। नहीं, AFM. AFM। ओके, स्कूल में किन चीजों में हिस्सा लेते हो? स्पोर्ट्स में भी लेता हूं, और जो कॉन्टेस्ट होते हैं मैथ्स इंग्लिश डिफरेंट सब्जेक्ट्स. कभी कोई पोजीशन ली है आपने? को यस सर. किस चीज में? ठीक रेसिंग में भी ली थी, स्पोर्ट्स में, है, कितने और मीटर के बहुत रेस में से पोजीशन ली है? 100 मीटर रेस एंड 400. तो आप फिर अंडर 13 में क्यों नहीं गए? सर मुझे इतना शौक नहीं है, बस स्कूल में जो हो जाता है वहीं बस थोड़ा सा. किस चीज का शौक है आपको सुहेब? फुटबॉल खेलता हूँ घर में और प्लेग्राउंड में. ओके, लास्ट क्वेश्चन। छुट्टी वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं? मुझे पूरे दिन की एक्टिविटी बताएं। सर सुबह उठ के पहले तो मुंह हाथ धो के नहा लेते हैं, नहा ठीक के है, फ्रेश ठीक होके फिर नाश्ता कर लेते हैं. है, ठीक नाश्ता करके जो होता है अगले दिन पेपर या फिर कोई ऐसी चीज पढ़ने वाला वो कर लेते हैं. है, फिर हम खेल लेते हैं
वन आवर या 2 आवर, ओके फिर आके खाना खा लेते हैं ठीक है और फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? हॉबी फुटबॉल खेलता हूँ बस। फुटबॉल खेलते हो, ठीक है। तो ये जो आपने बीच में 1 घंटा 2 घंटे कह लिया, ये फुटबॉल के लिए या कोई और गेम कह लिया था? फुटबॉल फुटबॉल, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? सर पढ़ता हूँ। तो फिर आपने जो वन डे एक्टिविटी बताई है उसमें तो आपने एक भी नमाज नहीं बताया बेटा। अच्छा मैं तमाम कैडेट्स को बता दूं बेटा, अगर आपकी फेवरेट हॉबी फुटबॉल है या गार्डनिंग है या कुछ भी है और वो आपसे पूछ ले कि वन डे की एक्टिविटी बता दे, तो उस एक्टिविटी में आपने अपनी हॉबी को जरूर शामिल करना है, ठीक है? ताकि उनको पता लग जाए कि अपने फारिग वक्त में वो काम करता है, ठीक है? सुहेब मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। ओके सुहेब, वेल डन, एक्सेलेंट, इट वाज अ नाइस इंटरव्यू। मेरे ख्याल में आपका आज पहला इंटरव्यू था ना, यस सर। तो ये आप हैंड रेज नहीं करते ना, अभी आज भी मैंने आपको ऐसे ही बुला लिया। प्लीज अपने हैंड रेज किया करें इंटरव्यूज के लिए, जब भी मैं बोलूं, ठीक है? यस सर, वो पहले पिछले 2 दिन माइक का इश्यू रहा है, इस वजह से। तो आप काइंडली डेली लेवल पे आप हैंड रेज किया करें, ज्यादा से ज्यादा चांसेस अवेल करें, ठीक है? ओके सर। जितनी ज्यादा दफा इंटरव्यू होगा उतनी कॉन्फिडेंट आएगी और हर दफा नए नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? ओके सर। चलो अल्लाह आपको कामयाबी दे बेटा, मेरी दुआएं आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक। जी मुजम्मिल इलियास, मुजम्मिल इलियास नहीं है, ठीक है। चौधरी आबरेज, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपने मेरी क्लास कब ज्वाइन की? सर 17 को 17 अक्टूबर को। तो अभी तक आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सर, बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटरव्यू। इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटरव्यू। इंटेलिजेंस टेस्ट का वर्बल पोर्शन आपने कवर कर लिया? यस ओके जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज अब्रेज एंड माय फादर नेम मोहम्मद आतिफ। आई रीड इन क्लास 8। माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। आई एम 13 इयर्स ओल्ड। ओके, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? आई वांट टू बिकम अ जीडीपी। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पायलट? आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन ईयर्स। समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। ओके, आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन ईयर्स। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स? टू सर्व माय कंट्री। टू सर्व योर कंट्री। तो आप किसी और फील्ड में भी तो कंट्री को सर्व कर सकते हैं। आई लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स। यू लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, दैट्स नाइस। अपनी क्वालिटीज बताए बेटा। आई एम ब्रेव। मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेता हूँ। अच्छी टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हो, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सर पुअर्टी। पॉवर्टी के अलावा? अनएम्प्लॉयमेंट और आजकल फ्लड्स हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? सर, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करके। हाँ ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करके, बस। सर,
लोगों को अपॉर्चुनिटी गिव करे और सीपैक पर काम करने से। गुड नाइस ओके टेल मी योर वीकनेसेस। सर जल्दबाजी से काम कर लेता हूँ कभी तो जल्दबाजी में कभी कोई गलत फैसला किया है? कभी। नो no. ओके हमेशा आपने दुरुस्त काम किए? यस सर। ओके आपकी हॉबी क्या है बेटा? प्लेइंग व्हाट इज योर एज टुडे? सर 13 इयर्स। 13 years old। आज आप स्कूल गए थे? क्यों? नो सर। वो मिलिट्री कॉलेज जेल में मरी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, परसों टेस्ट है ना आपका? नो सर 19 को। 19 को। ठीक है, अच्छी सी तैयारी करना उसके लिए भी। ठीक है, यस सर। आपका सेंटर कौन सा है? लाहौर है? सियालकोट मरी के लिए। नहीं, मिलिट्री कॉलेज अपना पीएफ कॉलेज का टेस्ट आपने नहीं दिए? डीएल लाहौर लाहौर सेंटर। सेंटर है उसका, तभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ ना। नो पेपर कैसे दिए? अच्छे दिए थे। अच्छा, अगर आपकी आर्मी की कॉलेजेस और पीएफ कॉलेजेस दोनों में सिलेक्शन हो जाती है तो आप कहाँ ज्वाइन करेंगे? पीएफ कॉलेज। ओके, अपने बहन भाइयों के बारे में कुछ बताइए। हैव टू सिस्टर हु विच आर रीडिंग। माय वन सिस्टर रीडिंग इन एमबीबीएस एंड सेकंड इन बीएस इंग्लिश आपकी अम्मी क्या करती हैं? हाउसवाइफ पुलिस एंड आपके पापा डिपार्टमेंट में किस रैंक में है? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आप लोग रहते कहाँ पे हैं बेटा? सियालकोट में, तहसील तहसील पसरूर। पसरूर में। टेल मी 5 ओशंस। इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, साउदर्न ओशन और पैसिफिक ओशन। ओके इंग्लैंड का कैपिटल और इंग्लैंड किस बड़े आजम में है? इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है। और लंदन है और वो यूरोप में है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में। न्यूजीलैंड किस बड़े आजम में है? ओशनिया। ओशनिया। What happened in 1998 in the month of May? पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। माशाल्लाह, तो बड़े कॉन्फिडेंट है यार। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? माई स्कूल। सॉरी, दोबारा बताएं। माई स्कूल इससे क्या बनता है माई से? मेरे स्कूल का माई स्कूल नेम इज माई स्कूल। अच्छा, बस सिर्फ माई स्कूल। ओ नाइस नेम यार, ये तो यस किसी ने बड़ा अच्छा सोचा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो किस सन में बना था? सॉरी सर। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1973 में। ओके, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में, और अभी तक पाकिस्तान उसी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चल रहा है। ठीक है, क्रिकेट ओके सर। देखते हो? यस हु इज योर फेवरेट प्लेयर? सर रिजवान। मोहम्मद रिजवान। कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए? यस ओके सॉरी सर। बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी, फेवरेट प्लेयर, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के बारे में, मदर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, ये आपने एक पेज पे लिखना है और मुझे भिजवाना है। ठीक है, ओके सर। इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज 300 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 मिनट्स? फिफ्टीन किलोमीटर्स ओके, एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 मिनट्स? 45। नाइस नाइस। क्लास में कौन सी पोजीशन आती है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ओके अब्रेस, आपको क्या पसंद है खाने में, पहनने में और अपने माहौल में?
माहौल में सर क्लीनिनेस, और पहने में सर ट्रैक सूट वगैरह, और खाने में दाल चावल। खाने में दाल चावल, यस हाँ, जो कि वहां का मशहूर भी है, ये लाहौर वाली साइड के। ठीक है, अच्छा जी, तो हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी? इलामा इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कोई शेर सुनाए। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है। ठीक है, एक और शेर भी सुनाए। यस सर। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। ठीक है, जबरदस्त। वहां आपने एक थोड़ी सी ऊंची आवाज में इंटरव्यू देना है। ठीक है, ओके सर। अब्रेजल नबी, वेल डन, एक्सेलेंट यार, इट वाज अ नाइस इंटरव्यू। लेकिन आपका रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह मैं और भी इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगा, क्योंकि इस दफा के रिजल्ट्स और मेडिकल से मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों के जो इंटरव्यूज होंगे वो दिसंबर में होंगे, वो भी दिसंबर के बिल्कुल एंड में। ठीक है, और क्योंकि अभी तो कराची, क्वेटा, पेशावर, पेशावर तो क्विक वो हो गया सरगोधा के, लौटों पर अभी रहता है, फिर रावलपिंडी, फिर तो ये मिड ऑफ जनवरी या दिसंबर के एंड तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह मामला, तो तब तक आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। सो विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ सर लक, थैंक यू सो मच, वेल डन, एक्सेलेंट। अच्छा, मेरी तमाम कैडेट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने आज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के वीडियोस एक दफा दोबारा देखने हैं, और देख के प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद आप लोगों ने ऑनलाइन की जो एक्सरसाइजेज है, कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे, आज मैंने ग्रुप पे भी एक भिजवाया है, तो वहां की कोई 3 से 4 टेस्ट भी कर लीजिएगा लाजमी। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट में कोई बंदा रह ना जाए। और फिर कल के दिन इंशाल्लाह मैं आप लोग को होमवर्क में कंप्लीट इंटरव्यू क्वेश्चन भी दूंगा, तो आज का दिन आप लोग वर्बल को दे देना। ठीक है, मोहम्मद सुहेब का इंटरव्यू हो गया। ओके, अब सिर्फ वो लड़का हैंड रेस करे जिसका एक दफा भी इंटरव्यू नहीं हुआ, बेशक वो किसी भी सिटी से है, एक दफा भी इंटरव्यू नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई भी नहीं है। अब्दुल वहाब, ऐसा पॉसिबल है कि आपका इंटरव्यू ना हुआ हो? यस सर। किस सिटी से हैं आप? सर पसरूर। ये कैसे हो सकता है यार? चलो भाई, आपका ये इंटरव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर माय नेम इज अब्दुल वहाब, माय फादर नेम इज मोहम्मद आसिम, ही वर्क सीन अब्रॉड, आई एम 13 इयर्स ओल्ड, माय एम इन लाइफ इज टू बिकम अ जीडीपी। ओके, नाइस नाइस नाइस। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पायलट? एवरी मुस्लिम हैज मिनिमम ऑफ थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू लिव बाय हर लॉज, टू पे देयर ड्यू शेयर ऑफ टैक्सेस, एंड टू डिफेंड द कंट्री। आई ओनली अ लकी फ्यू डिफेंड द कंट्री, आई वॉन्ट टू बी अमंग देम। नाइस यार, आपने तो पूरी कहानी बता दी। अब्दुल वहाब, आपने किस सेंटर से टेस्ट दिया है? सर लाहौर। आपका रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह, और बेहतर ही होगा, क्योंकि मुझे आपके वो रिट एंड टेस्ट का पता है, आपने काफी अच्छे टेस्ट दिए होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, आप मुझे रेगुलर लेवल पे अपना होमवर्क भिजवाते थे। अब्दुल वहाब, टेल मी योर वीकनेसेस। सर मैं लेट राइजर हूँ, जब छुट्टी होती है उस दिन बहुत लेट उठता हूँ, और माइजर हूँ। ओके, एंड आपके पापा कहाँ होते हैं? खतर सर कतर। में। क्या काम करते हैं उधर? हैवी ड्राइवर, ओके, और आपकी अम्मी क्या करती है? हाउसवाइफ। आप लाहौर में कहाँ रहते हैं? सर पसरूर में रहते हैं। पसरूट लाहौर से कितना दूर है? तीन सौ किलोमीटर 300 थर्टी किलोमीटर, किलोमीटर 30 किलोमीटर पे तो करीब है यार। आपने मुझे मैसेज भी किया था ना, कि जब मैं लाहौर आया था कि मैंने मिलना है, आपने मैसेज किया था? नो सर। अच्छा, मैं लाहौर आया था, आप लोगों ने मैसेज नहीं किया, वरना मैं मिल लेता। एक दो बच्चों ने मैसेज किया था, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल एंड पे। ओके, सो व्हाट इज 5% ऑफ 90 रुपीज?
4.5 रुपीज। व्हाट इज 60% ऑफ 400? 240। ओके बेटा, 5.5 बड़ा है या 5.55? 5.5। बेटा 5.5 का मतलब है 5.50, और उसके कंपैरिजन में मैंने बोला 5.55, तो इसका मतलब है वो 55 बन गया, तो 5.55 बड़ा हुआ ना बेटा। ओके सर, डिफाइन इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके वेल डन। व्हाट इज द लाइंस ऑफ लेटिट्यूड? सॉरी सर, नहीं आता? सीपैक पे स्पीच नो करें। सर। सीपैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट इज अ कॉरिडोर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। द मेजर पार्ट ऑफ द सीपैक इज इन पाकिस्तान एंड द स्मॉल पार्ट इज इन चाइना। द लेंथ ऑफ द सीपैक इज 3,218 किलोमीटर। द सीपैक विल फुलफिल द नीड ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी? कायद आजम मोहम्मद अली जिना। अच्छा, कश्मीर के इशू को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं? सर, अगर हम मुतहिद हो के यार कोई अच्छा सा आंसर देना प्लीज। सॉरी सर, ओके, अगर आप पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने तो आप कश्मीर को किस तरह आजादी दिलवाएंगे? सर नहीं, ताकत ताकत के जरिए। के जरिए? क्या ताकत यूज करेंगे बेटा, मुझे बताएं ना जरा। आर्मी की आर्मी की ताकत के जरिए यानी लड़ाई करेंगे किसके यस सर। साथ? इंडिया इंडिया के साथ। तो डर क्यों रहे हो बेटा, कॉन्फिडेंस से बताओ ना बेटा प्लीज। यस सर। ओके जेंटलमैन, टेल मी योर वीकनेसेस सर मैं लेट राइजर हूँ और माइजर। एंड टेल मी योर गुड क्वालिटीज। आई एम हार्डवर्किंग कोऑपरेटिव ब्रेव पंचुअल। पंक्चुअल, यस सर। वहां पे आपने लेट राइजर बोल दिया और इधर आपने पंक्चुअल बोल दिया, तो इसको मैं कैसे मान लूं बेटा? सर जब छुट्टी वाले दिन लेट उठता हूँ ना। ओनली छुट्टी वाले दिन लेट उठते हैं। यस सर। ओके खाने में क्या पसंद है? सर बिरयानी। सर्दी अच्छी लगती है या गर्मी? सर सर्दी। क्यों, गर्मी क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि सर्दियों में मैं जैकेट पहनता हूँ। और उसमें आप डेशिंग लगते हैं। मेरे वाला आंसर कॉपी कर लिया आपने, ऐसा ही है? यस सर। चलो गुड अब्दुल वहाब, वेल डन, एक्सेलेंट। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का कब फतह किया, किस हिजरी में? नहीं सॉरी पता? सर, अच्छा, यूएनओ से क्या बनता है? यूएनओ,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये कब बना था ये मैं बता देता हूँ, 1945 में बना था, ठीक है। ओके सर, यूएनओ का काम क्या है? सर इसके बारे में नहीं मुझे इतना पता। ओके नो प्रॉब्लम। अब्दुल वहाब मुझे बताए रिस्पायरेशन क्या चीज है। रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके जेंटलमैन, इफ यू गेट रिजेक्टेड व्हाट विल यू डू? सर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अगर मैं सेलेक्ट ना हुआ तो मैंने दूसरा चांस आगे भी लिया और मैं फिर FSC के बाद ट्राई करूंगा। लेकिन आपने ज्वाइन एयरफोर्स को ही करना है, आपने अहद कर लिया है, ऐसा ही है। यस सर, चलो मेरी दुआएं अल्लाह आपको कामयाबी दे और इंशाल्लाह आपको आमीन कामयाबी मिलेगी क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, मैं इस चीज का गवाह हूं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चलो। नोमान रजा, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। नोमान रजा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सोहेब आप भी पूछिएगा। सर मैंने ये बोलना है कि मैंने तो फीस भी सबमिट करा दी है, आपने मैसेज किया था, तो एक ओके, मैं ये बोलना मुझे, मैं और दूसरे मोबाइल में देख लेता हूँ, शायद आपने दूसरे मोबाइल में मैसेज किया हो, ठीक है। सर, और वो जब मैं इंटरव्यू ले रहे थे ना तो वो मैं एक डिवाइस पापा के पास थी ना, वो इंटरव्यू सुन रहे थे तो वो आपने एक अच्छा अच्छा ब्लॉक कर अच्छा दी थी सर। तो वो यार मुझे बता देते ना, मैं उसी वक्त वो उनको अनम्यूट कर रहा था तो आप मुझे बता देते, मैं समझा आपके नाम से कोई और आ गया, ठीक है। नहीं चलो अच्छी बात है, मैं रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है सर, अच्छा जी, नोमान रजा, सब कर दिया सर। नोमान रजा, नोमान रजा। अच्छा चलो, ये न्यू स्टूडेंट है, इसको माइक नहीं चला रहा था मेरे ख्याल में। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों से कल मुलाकात होगी, जिन जिन के इंटरव्यूज रह गए वो कल कराऊंगा इंशाल्लाह। रियान साकिब, आपका एक दफा इंटरव्यू हो गया अभी, एक दफा भी नहीं हुआ, बोले सर हो गया, मैंने क्वेश्चन पूछना है बेटा। सर, मैंने पूछना है इस बाबी में इस्लामियत का पेपर 30 मार्क्स का आता है, इस्लामिया 30 मार्क्स का और उर्दू 70 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा यार रियान, आपकी एक और खामी है कि आप किसी चीज के पीछे लग जाए ना तो तुमने अपना वो काम पूरा ही करना है, बेशक वो दूसरी साइड पे ही क्यों ना हो। अच्छी बात है, लेकिन सब्र का मुजाहरा किया करे यार। आपने मुझे मैसेज किया था, मुझे पता था मैंने आपको रिप्लाई देना है, लेकिन आपसे सब्र ना हुआ, ऐसे ही सर है। चलो अच्छी बात है, गुड। और कोई क्या पूछना है बेटा, सर वो बोले। मैंने सर मैंने पूछना था PF में टॉर्सो का मतलब क्या होता है। टॉर्सो टॉर्सो क्या होता है, मुझे तो नहीं पता सर मेडिकल में यार, वो मुझे नहीं पता। अच्छा यार, मैं तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि मेडिकल की फील्ड्स के बारे में मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता हूँ, इवन के मुझे पेरेंट्स जो है ना, अच्छा आप लोग सुन ले जरा, मैं कितनी कुर्बानी देता हूँ यार। जब बच्चा मेडिकल में अनफिट हो जाता है, पेरेंट्स के मुझे वॉइस मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने हमें इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया था, मेडिकल में किसी भी कैटेगरी में अनफिट हो जाए, आपने हमें ये नहीं क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया, ये मुझे क्या पता आपके बच्चे के मेडिकल के बारे में कि यार उसमें क्या है। मेरा काम है आपको रिटन टेस्ट और इंटेलिजेंस की तैयारी करवाना, मेडिकल ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, बस अल्लाह ने उसके नसीब में नहीं रखा, उससे अच्छा रखा है, उससे बेहतर रखा है, तो इसलिए मेडिकल में अनफिट हो गया, मेरा तो ये ईमान है। तो मैं ये चीजें भी बेटा बर्दाश्त कर रहा होता हूँ दिन के टाइम, यानी कल भी एक जो है ना वो एक मैम की जो है वो कॉल भी आ गई थी, मैसेजेस भी आ गए थे कि आपने जो है वो हमें सेटिंग हाइट के बारे में नहीं बताया, ये है वो है। मैंने कहा मुझे क्या पता कि आपके बच्चे की हाइट कितनी है, उसकी सेटिंग हाइट क्या है, अगर आपको इतना ही था तो फिर आप 5 महीने पहले चले जाते एयरफोर्स के किसी हॉस्पिटल में और उनसे पूरा क्राइटेरिया ले लेते कि यार GDP का क्या क्राइटेरिया है, ताकि मैं जो है ना वो अपने बच्चे की मैंने वैसे तैयारी कर ली। मैंने कहा आपके बच्चे ने बहुत कुछ सीख तो लिया ना, अब वो बड़ा टॉपर है, बड़ा काबिल बच्चा है, तो वो किस तरह काबिल बना, उसने मुझसे बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन फिर भी उनकी कॉल आ गई कि भाई आपकी गलती है, आपने हमें नहीं बताया, ठीक है।
तो मैं ये चीजें भी बर्दाश्त कर रहा होता हूँ। ओके, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। I don't know.